कोल्ड एंड एलर्जीज। सी आप सब ने आप सबको कोल्ड तो हुआ ही हुआ है, सबको कोल्ड हुआ है, सब जानते हैं कोल्ड क्या होता है। हमारा कभी नाक बहता है, कभी नाक बंद हो जाता है, समटाइम्स देर इज स्नीजिंग, राइट, छींक आती है। सो देर आर सो मैनी डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ कोल्ड एंड सेम गोज विथ देर इज अ डिफरेंस। एलर्जी अलग चीज़ है, स्नीजिंग एलर्जी में हो सकती है लेकिन कोल्ड में भी होती है। मगर कोल्ड जो चीज़ है, कोल्ड कोल्ड इज मोस्टली एन इन्फेक्शन। कोल्ड एलर्जी नहीं होता, कोल्ड जो है एक फ्लू होता है। फ्लू एक तरीके का वायरल, कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन, राइट। सो दैट इन्फेक्शन इज बिकॉज ऑफ अ वायरस। एंड एलर्जी इज नॉट एन इन्फेक्शन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी वायरस और बैक्टीरिया और एनीथिंग, राइट। एलर्जी इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर इम्यून सिस्टम। आपकी इम्यून सिस्टम के वजह से आपको एलर्जी हो रही है। आपका शरीर किसी ना किसी एलर्जन को हाइपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो हाइपर सेंसिटिविटी है आपको किसी एलर्जिक प्रोडक्ट, जैसे कोई डस्ट के लिए, कोई पोलन ग्रेन के लिए, हे फीवर इसी को कहते हैं, पोलन ग्रेन। जो इस मौसम में, समर में क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ में, एंड पत्ते झड़ के सीधा सारे पोलन फैल जाते हैं। कहाँ फैल जाते हैं, आपके आसपास, और सारे आपके जैसे ही नाक में घुसे आपको आछू छींक आती है। सेम छींक आती है आपको खाना बनाते समय, जैसे ही कुछ ज़्यादा मसाला हो गया, दैट इज़ नॉट अ कोल्ड, है ना। जैसे ही, अरे क्या पका रहे हो, राइट, एवरीबडी साउंड्स टू ये छी आ छी, ये क्या हो रहा है कि नहीं। सो दैट इज एन एलर्जी, दैट इज नॉट कोल्ड, राइट। कोल्ड इज व्हेन योर नोज, नेजल, थ्रोट और साइनसेस दे गेट इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लामेशन का क्या मतलब, इन्फ्लामेशन का मतलब है देर इज अ स्वेलिंग, देर इज अ रेडनेस। नाउ इन्फ्लामेशन इज नॉट इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन इज नॉट इन्फेक्शन। तो इन्फ्लामेशन एलर्जी में भी होगा, ओके, एलर्जी में भी होगा। तो एलर्जी में भी इन्फ्लामेशन होगा और इन्फेक्शन में भी इन्फ्लामेशन होगा, क्योंकि इन्फेक्शन में भी सूजन और लालपना होगा, एलर्जी में भी सूजन हो सकती है, लालपना हो सकता है। लेकिन एलर्जी में देर इज नो बैक्टीरिया, देर इज नो वायरस, देर इज नो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शन में वहाँ पर एक वायरस या बैक्टीरिया या कई बार फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो कोल्ड इज मोस्टली अ वायरल इन्फेक्शन, वायरल कोल्ड, राइट। सो वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपका गला, आपका नाक, आपके साइनसेस में इन्फ्लामेशन है तो आपको है कोल्ड। जस्ट लाइक मुझे हुआ था कुछ दिन पहले, तो आप लोग अगर मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप समझते हैं कि लास्ट वीक मुझे कोल्ड था और मैंने आपको बताया था कि भाई ये दो हफ्ते तक चलेगा। अब आप देख सकते हैं, अब पहले से बेहतर है, वरना मैं लास्ट वीक ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, है कि नहीं। सो इट्स मोर लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिजीज। नाउ आई डिड नॉट टेक एनी एंटीबायोटिक फॉर कोल्ड, आई डिड नॉट टेक एनी स्पेशल मेडिसिन फॉर कोल्ड, बिकॉज कोल्ड की ट्रीटमेंट, मेन ट्रीटमेंट कोल्ड की है आपकी रेस्ट और अ लॉट ऑफ वाटर, रेस्ट एंड फ्लूइड्स, राइट, और टेस्ट। अगर आपके कोल्ड के सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि फ्लू जो है वो आपका कहीं कोई डेंजरस वायरस, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया तो नहीं बन जा रहा। सो उसके लिए आप प्रिवेंशन कर सकते हो, आप फ्लू शॉट्स ले सकते हो। साल में एक बार फ्लू शॉट्स आते हैं, 2019 का फ्लू शॉट मैं ले चुका था, तो आई न्यू कि मुझे डेंजरस वायरस नहीं हो सकता, सिंपल वायरस अपने आप ठीक हो जाए, नथिंग टू बी डन। हाँ, जब नेजल कंजेक्शन ज़्यादा हो जाए, चाहे कोल्ड से हो चाहे एलर्जी से हो, तो आप सिट्रिजीन यानी कि कोई एंटीहिस्टामिन ले सकते हो। एंटीहिस्टामिन मेडिसिन, सिट्रिजीन, आपकी एलग्रा, आपकी फिनोफेक्सिडीन, आपके जो क्या नाम है उसका, मोंटेलुकास, मोंटेरेल्स, ये सब क्या करती हैं, दीज मेडिसिन बेसिकली डिक्रीज योर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू बोथ कोल्ड एंड इन्फेक्शन, डिक्रीज द इन्फ्लामेशन, राइट। सो यू गेट रिलीफ, टेम्पररी रिलीफ, आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाए, दैट्स वॉट यू वॉन्ट। नाक बंद है तो ओट्रिविन डाल सकते हो, पर कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते से ज़्यादा ओट्रिविन यूज़ नहीं करना। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड एलर्जिक स्नीजिंग, राइट।